तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम एडवांस फॉर्मूले पे बात करेंगे और बात करेंगे रिपोर्ट ऑटोमेशंस क्या होता है और किस तरह की क्रिटिकल प्रॉब्लम को या डेटा क्लियरेंसिंग कीजिए या फिर एक रिपोर्ट्स के लिए हम डेटा कैसे तैयार करते हैं, कैसे सोचते हैं, ये चीज़ आपके साथ हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। राइट, अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने एक सिंपल सा डेटा कॉपी पेस्ट किया, मैंने जैसे यूट्यूब से अपना जो डेटा होता है उसी कॉपी पेस्ट कर दिया एक्सेल में। हालांकि इस तरह की चीज़ें कब आती है, जब डेटा पीडीएफ वगैरह से लेके आते हो, तो ये अनअरेंज डेटा है। इसमें देखिए सबसे पहले जो ये आ रहा है 1420 जो आ रहा है, ये आता है ड्यूरेशन, ये हमारा वीडियो का टाइटल है, ये वीडियो की रिफ्रेशन है, ये पब्लिक है और इस पर मोनेटाइजेशन है या नहीं और कब पब्लिश किया गया है, किस डेट को पब्लिश किया गया, कितने व्यूज हैं और लाइक और इस चीजें हैं। तो मुझे इसका ये डेटा जो है अनसिक्वेंस में दिख रहा है, अच्छे से नहीं है। मुझे डेटा कुछ इस तरह से चाहिए। यहाँ पे मान लीजिए, यहीं पे बनाता हूँ मैं। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ सीरियल नंबर, फिर चाहता हूँ मैं कि इसमें यहाँ पे ये दिखे टाइटल, टाइटल हो जाएगा। फिर मैं चाहता हूँ इसमें डिटेल्स, डिटेल्स या डिस्क्रिप्शन जो है वो चाहता हूँ, ठीक है। इसके बाद हम चाहता हूँ ड्यूरेशन, और यहाँ पे हम जानते हैं चाहते हैं डेट, डेट ऑफ पब्लिश, और यहाँ पे चाहते हैं व्यू, ठीक है। जी सर, अब कैसे आएगा? तो अगर आप एक्सेल का इस्तेमाल ना करें, फॉर्मूले का इस्तेमाल ना करें, तो इस तरह से आप एक एक करके कॉपी पेस्ट करेंगे, यहाँ से उठाएंगे, डिटेल्स को यहाँ पेस्ट करेंगे, उसके बाद आप जो है ड्यूरेशन यहाँ से उठा के पेस्ट करेंगे। राइट, यही करेंगे ना सर? डेट आप यहाँ से उठाएंगे, इसको पेस्ट करेंगे, और व्यू जो है आप 18 जो है यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे। फिर सेकेंड पे ऐसे ही, सेकेंड के लिए आप ऐसे परफॉर्म करेंगे, यही करेंगे ना सर? क्या कॉपी पेस्ट करेंगे, बस कॉपी पेस्ट करेंगे। अब ये भी चलो 10 या 12 है, तो चलो आप आधा घंटा, 1 घंटा 10 मिनट, जो भी आपकी स्पीड डिपेंड करती है, आप कॉपी पेस्ट कर लो। अब मेरे यूट्यूब पे 5000 वीडियोज है, अगर मैंने 5000 का वीडियोज का लिस्ट दे दिया, तो क्या लग रहा है सबका डेटा बनाने में आपको 2-4 दिन तो लग जाएगा, 2-4 दिन तो लग जाएगा, 2-4 दिन लग जाएगा ना? क्या विवेक जी, लग जाएगा 2-4 दिन? जी बिल्कुल सर, बट मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। आप मुझसे एक्सेल ट्रेनिंग ले रहे हैं, हम इसी तरह के क्रिटिकल प्रॉब्लम की सॉल्यूशन सिखाते हैं आप लोगों को। तो चलिए हम टॉपिक को शुरू करते हैं बस कुछ सेकेंड्स में। ओके सर, अब जो लोग यूट्यूब पे हमारी इस वीडियोज को देख रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोज को देख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पूरी सिक्वेंसली वीडियोज चाहिए, तो आप मेरी मेरे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पे सारे वीडियोज का सिक्वेंस मिलेगा। और जैसे अभी देखिए शाम की 8 बजे की क्लास है, रात की, आप मेरे साथ इस तरह से एक दो लोगों के साथ ज्वाइन करके ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं जूम पे। आप जाइए iptindia.com पे, डेमो क्लास का फॉर्म भर दीजिए, और किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर सकते हैं। सारी डिटेल्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है। तो चलिए विवेक जी एंड अलकेश जी करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट करेंगे, और हम यहाँ पे एक पैटर्न देखते हैं कि क्या पैटर्न है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक टाइम आता है, राइट? टाइम के बाद टाइटल आता है, उसके अंदर बाद डिटेल्स आता है, देन पब्लिक बाकी चीज आता है, फिर टाइम। तो मेरा जो स्टार्टिंग है वो किससे है? टाइम से। क्लियर है? टाइम से है ना? तो ये स्टार्टिंग हमारा टाइम से है। तो हमने यहाँ पे सिंपल सा एक एंड का फॉर्मूला लगाया, ए एन डी एंड। एंड में मैंने बोला कि ए जो है ग्रेटर देन जीरो, बट ए जो है लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए।
अब ऐसा क्यों किए? क्योंकि अगर ग्रेटर देन जीरो डालूंगा तो ये सब ग्रेटर देन जीरो है, राइट? तो हमने बोला कि टाइम है, तो टाइम हमेशा हमारा जो होता है वो होता है किसमें? नंबर्स, नंबर में, इस तरह के नंबर। तो अब यहाँ पे मान लीजिए 2 घंटा के भी हो सकता है, 3 घंटा भी हो सकता है, तो 1 के जगह पे हम यहाँ पे 2 कर देते हैं। आप देख लीजिए कि मेरे यहाँ जो टाइमिंग है वो मैक्सिमम कितना है, क्योंकि इसमें क्या जैसे 27 घंटे का दिख रहा है ना आपको, 27 मिनट है या 27 घंटा है? 27 घंटा। तो इसमें 27 घंटा में क्या हुआ कि नंबर 1.13 हो गया। अब 27 घंटे की कौन सी वीडियोज मैंने डाल दी भाई? तो ठीक है, लेकिन 27 घंटे तो काफी ज्यादा है, मिनट ही होना चाहिए सर। एक देख लेता हूँ मैं, ये कौन सा है हमारा एक्सेल व्यू को फंटास्टिक फॉर्मूला। ऊपर था नहीं, 27 घंटे वाला नहीं होना चाहिए। हाँ ये रहा, ये रहा 27 मिनट है, सॉरी 27 मिनट है, वो सेकेंड भी आता है, माफ कीजिएगा, मिली सेकेंड आता है, 00। ये जैसे 14 मिनट का है, तो कुछ भी हो आप 27 घंटा ही समझ लीजिए। कहने का मतलब ये है कि इसमें 1 से ज़्यादा होगा, राइट? तो यहाँ पे हम कर देते हैं, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 2, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 2 कर दिया, या 3 कर दीजिए, या 4 या 5 कर लीजिए, 5 से ज़्यादा तो होगा नहीं, 5 कर लीजिए। तो इसमें क्या होगा कि जहाँ जहाँ टाइम आपका है ना, अब यहाँ अब 100% में जो है एक छोटा सा प्रॉब्लम आ गया, अब परसेंट को भी ट्रू कर रहा है, अभी इसकी ट्रिगर करनी पड़ेगी हमको, हमें नीचे तक इसको ड्रैग करते हैं। तो यहाँ परसेंट भी आ रहा है ना, परसेंट ट्रू का है, परसेंट भी ट्रू आ रहा है, दिख रहे जी? परसेंट में भी ट्रू आ रहा है। अब परसेंट वाले को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि परसेंट का जो भी होता है ना वो आपका 0 ही होता है, इसलिए आपको ये भी देखना होगा कि परसेंट में जो है उसको इग्नोर कैसे करें, अब परसेंट वाले कैसे इग्नोर, मुझे सिर्फ क्या करना है ना, टाइम के आगे जो है ट्रू लगाना बस। पर टाइम के आगे तो लग रहा है, पर परसेंट के आगे भी लग रहा है 100%, ठीक है? तो अगर मैं इसको लेफ्ट का फॉर्मूला लगाता हूँ और इसको सेलेक्ट करके हम यहाँ पे 1 करते हैं तो क्या आता है, 1 ही आता है। ओके, एक आता है कॉन्टेंट, अभी कुछ फार्मूला मुझे ढूंढना होगा कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि कंटेंट बीच में आएगा। ओके, फार्मूला टेक्स्ट, फार्मूला टेक्स्ट में इसको सेलेक्ट करके ओके करते तो 1 आ रहा है, फार्मूला टेक्स्ट भी इस पर वर्क नहीं करेगा। सर क्यों ना हम इसको नंबर में कन्वर्ट करके उसके बाद करें, तो नंबर में 1 हो जाएगा, तो आप 1 को थोड़ी यहाँ पे कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ कर लेते हैं, यहाँ पे दुखे और भी होगा ना कि जरूरी नहीं कि 100% ही हो, कहीं कहीं पे हो सकता है कि परसेंट कम हो, 80%, यहाँ देखिए 88% दिख रहा है आपको सर जी। अब यहाँ पे कोई यहाँ पे हमारा एक इज डेट का फॉर्मूला होता है, इज डेट होता है नहीं, इज डेट नहीं होता, डेट का फॉर्मूला है बट इज डेट का फॉर्मूला नहीं है। इज के फॉर्मूले इज एरर है, इज इवन लॉजिकल, इज फॉर्मूला, इज नॉन टेक्स, इज नंबर, इज ऑड, इज पीएमटी, इफ ए टेक्स्ट, इज टेक्स्ट तो आ रहा है। अब इसका सॉल्यूशन कुछ बताइए सर, ये 100% कैसे हटा है, 100% हट जाता है तो फिर मैं इसके आगे काम कर सकता हूँ।
सर ये काफी बता पाएंगे। देखिए ये चीज हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैंने इसे पहले बहुतों को बता चुका हूं। यहाँ पे इज, एक मिनट एक काम करता हूँ, और इसमें हम टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, टेक्स्ट, और हमने टेक्स्ट में फॉर्मेट एज ए टेक्स्ट को इसको सिलेक्ट करके एंटर करते हैं, तो ये तो वन आ रहा है। हाँ इसमें एक काम करते हैं, वो इक्वल टू वन भी तो नहीं हटा सकते ना, इक्वल टू वन हटाएंगे तो प्रॉब्लम होगा। लेकिन इसमें हम एक चीज़ देख सकते हैं कि ये जो है हमारा जहाँ लग रहा है उसके ऊपर ब्लैंक है, एक यहाँ पे कंडीशन मिल गया ना, इसके ऊपर तो ब्लैंक नहीं ना है क्या? लेकिन हम डेटा का सीक्वेंस देख रहे हैं कि हर डे टाइम जो हमारा स्टार्ट हो रहा है उसके ऊपर एक ब्लैंक है एवरी, हर जगह पे ब्लैंक है। इसकी लेन को देख ले, एक बार लेन देख ले के पता चल लेते हैं ये ब्लैंक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक कंडीशन ऐड कर सकते हैं। क्या कंडीशन ऐड कर सकते हैं ट्रू में यहाँ पे, कि इसके ऊपर वाली सेल जो है वो इक्वल टू 0 होगी। ऐसा करने पे अब इसको ड्रैग कीजिए तो 100 पे अवे फॉर यहाँ पे नहीं काम कर रहा। एक मिनट, इस यहाँ भी तो 0 ही है ना क्या? जी लेकिन इसमें इसका इसका सोल्यूशन है हमारे पास, हम यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं करेंगे, हम करेंगे लेन। क्या करेंगे? लेन, लेन में इसको देंगे और करेंगे बोलेंगे कि लेन इक्वल टू 0 होगा, समझे? क्योंकि अगर ये 0 टाइप है तो लेन में 1 होगा, लेन तो 1 होगा ना सर, लेकिन यहाँ ब्लैंक है तो नहीं होगा। मतलब कि कहने मतलब एक्सल में जो है ये 0 है और ये ब्लैंक है, तो एक्सल इसको भी 0 मानता है, तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन हम लेन फॉर्मूला लगा लेंगे तो ब्लैंक हो जाएगा, या लेन फॉर्मूला ना दे के इज ब्लैंक भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है इज ब्लैंक, तो इज ब्लैंक अगर ब्लैंक हुआ तो ट्रू दे देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा, ठीक है? तो जहां जहां डेट टाइम है वहां वहां ट्रू आ गया। अब इसमें हम यहां पे कंडीशन देते हैं कि इफ अगर ये ट्रू है तो मैक्स का फॉर्मूला लगेगा। मैक्स हमने इसको सेलेक्ट किया और हमने A1 से A1 प्लस 1 कर दिया, अदरवाइज हमने यहाँ पे कर दिया ब्लैंक, ठीक है? और पहले वाले A1 को फ्रीज कर दिया। अब इससे क्या होगा कि जितने भी हमारे डेट होंगे, जितने भी टाइम होंगे, सबके आगे एक सीक्वेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। हो गया एक सीक्वेंस नंबर। जी सर। अब जितने सीक्वेंस इसमें है उतने सीरियल नंबर यहाँ बनाना है, तो मैनुअली हमने 1 लिख दिया और बोला कि इफ ऊपर वाले में प्लस 1 करने पे अगर वो ग्रेटर देन है मैक्स इससे तो ब्लैंक कर दे, अदरवाइज ऊपर वाले में प्लस 1 करे। तो इससे क्या हुआ, इसमें एरर आने के चांसेस है, तो हम यहाँ पे इफ एरर का फॉर्मूला लगा देंगे, इफ एरर, और यहाँ पे ब्लैंक कर देते हैं। थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आपको फॉर्मूला अच्छा से दिखे। अब मैंने इसको नीचे तक ड्रैग, एक संभावित एरिया तक हमने इसको ड्रैग कर दिया। तो इससे क्या हो गया कि जितना हमारा इसके अंदर वीडियोज थे, जितना लिस्ट थे, उतना हमारा यहाँ पे बन गया सीक्वेंस नंबर। अब मुझे टाइटल चाहिए, तो मैंने इसके लिए फॉर्मूला लगाया किसका, मैच का। मैच फॉर्मूला क्या किया कि इस नंबर को इस कॉलन में मैच करके रिजल्ट दिया, रिजल्ट में बताया ट्रू, मतलब कि दूसरे नंबर रो पे है। अब देखिए मुझे दूसरे नंबर रो नहीं चाहिए, मुझे तीसरे नंबर रो पे चाहिए ना सर, दूसरे नंबर रो की अगले कॉलम का चाहिए। तो यहां पे हमने इस मैच को ऑफसेट फॉर्मूले में डाल दिया, ऑफसेट फॉर्मूले में बोला कि स्टार्टिंग ए है और ऑफसेट हमेशा 0 से चलता है, तो इसके लिए टू मैच का टू ऑफसेट का 1 होगा, तो -1 कर दिया, नहीं -1 नहीं, इसमें करेंगे टू ले रहने देते हैं, नहीं वन यहाँ आ जाएगा, 0 1 2 2 आया,
और कॉलम ने हमने यहाँ पे कर दिया वन। तो देखिए टाइटल आ गया सर। अब मैं ए वन को फ्रीज किया और नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा तो सारे टाइटल्स आ गया। आ गया सर। अब यहाँ पे देखिए डाउनलोड डाउनलोड करके आ गया ना सर, क्योंकि ब्लैंक को रीड, उसने ब्लैंक को मैच कर लिया, ब्लैंक को मैच करके इसके दे दिया इसने, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लगा देंगे कि इफ अगर दैट इक्वल टू ब्लैंक तो ऑलवेज ब्लैंक, अदरवाइज ऑफसेट चले। अब देखिए आपका आ गया सर, ठीक है जी सर, इसमें कोई डाउट। लेकिन नीचे पब्लिक करके आ रहा है, ये पब्लिक क्यों आ रहा है? ओ हाँ, यहाँ पब्लिक दिया हुआ है इसलिए, ये प्राइवेसी वाला है। मैं पब्लिक ही है, माफ कीजिए, वहाँ पे है ही पब्लिक ही लिखा हुआ है, फॉर्मूला की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डिटेल्स की बात आई तो सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और डिटेल्स के लिए हम क्या करेंगे, ये जो कॉल, ये आपका जो जिसमें हमने मैच का फॉर्मूला लिया है ना, बस मैच के फॉर्मूले में प्लस वन कर देंगे, ये हमारा डिटेल आ जाएगा, ठीक है। ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन में हमें ऊपर आता है ना, यहाँ पर है, तो हमें इस पर प्लस वन नहीं, इसमें माइनस वन करने पड़ेंगे, डिटेल्स आ जाएगी। डेट की बात करें तो डेट यहाँ पे आता है जीरो, यहाँ से जीरो प्लस करने के लिए, यहाँ पे यहाँ तक आता है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो मुझे इसमें डेट डेट की बात करें ना, तो इसमें हम क्या करेंगे प्लस फाइव करते हैं, तो डेट आ गया। और व्यू डेट 6 7, सेवेंथ नंबर पे है, तो यहाँ पे हम ऑफसेट में प्लस 7 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 7 में तो वैल्यू आ गई। सॉरी सॉरी, हमने गलत जगह पे प्लस कर दिया है, हमें मैच में प्लस करना था ना, प्लस 7, डेट आ गया। अब इसको सेलेक्ट किए और नीचे की तरफ ड्रैग कर, आ गया सर सारा डिटेल जी सर। अरे 5,000 हो या 5 लाख हो, ये आपका कुछ मिनट्स में हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। इसके लिए हमने कोई प्रोग्रामिंग वगैरह यूज नहीं किया और कुछ ज्यादा फॉर्मूलेज भी यूज नहीं किया, हमने छोटी सी अपनी एक ट्रिक्स का इस्तेमाल किया और आपने देखा कि किस तरीके से ये हमने यूटिलाइज कर दिया, ठीक है जी सर। तो इसमें इसमें आप इसका भी यूज आप कर सकते हैं और कर करके आप यहाँ पे अपने रिपोर्ट्स को, अपने काम को इजीली कर सकते हैं। देखिए ऑफिस में सबसे ज़्यादा जो हमारा टाइम कंज्यूम होता है वो होता है मैनुअल वर्क पे, ठीक है, मैनुअल वर्क। अभी ये फाइल मैं आपको मेल कर देता हूँ ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें।